नमस्कार दोस्तों, मैं GSB यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने 41 तक क्वेश्चन करा दिया था, और आज हम लोग करेंगे 42 से, यानी स्टेज 3 से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए, देर न करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, मेरा 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ये है 42 नंबर। दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ठीक है दोस्तों, किसी काम को या एक काम को 21 दिन में समाप्त करता है। एक काम को दोस्तों कितना दिन में? 21 दिन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 21 औरतें 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 21 औरतें 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में, मतलब उस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगी, उस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगी। कंडीशन दिया है दोस्तों, जबकि 3 औरतें 2 आदमियों के बराबर कार्य करें, जबकि 3 औरतें जो है 2 आदमियों के बराबर कार्य करें। दोस्तों यहाँ पर मैन था, मैंने लिख देता हूँ क्योंकि छूट गया है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यूनिट चेंज कर दीजिए। दोस्तों हम क्या करते हैं, औरत को जो है मैन में चेंज करते हैं, यानी यूनिट को चेंज कर रहे हैं। तो देख दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 21 औरत बनाने के लिए इसमें कितना से गुना? 7 से। तो इसमें 7 से, तो इसमें भी 7 से। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि ये कहाँ से मैंने किया। अब यहाँ पर लिखेंगे 15 और मैन गुने 8 गुने 21, और दोस्तों 21 औरत की जगह पर हम कितना मैन लिख सकते हैं? 14 मैन। तो यहाँ पर करेंगे 14 मैन गुने 6 गुने D। ठीक है दोस्तों, मैन से मैन काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 या 21, ये हो जाएगा 3 दूना 6, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसलिए दोस्तों डी बराबर हो जाएगा आपका 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, जबकि पहले समूह के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 व्यक्ति। पहले समूह के 2 व्यक्ति उतना ही कार्य करते हैं जितने कि दूसरे समूह, यानी दूसरे समूह मैंने माना था M2, दूसरे समूह के 3 व्यक्ति करते हैं 1 घंटा में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आप जो है M1 बराबर क्या लिख सकते हैं? M1 बराबर लिख सकते हैं 3/2 M2। ठीक है दोस्तों, तो M1 के जगह पर आप 3/2 M2 लिख सकते हैं। 3/2, देखिए M1 बराबर कितना दिया है? 3/2 M2, तो M1 के जगह पर 3/2 M2 लिख दीजिए, गुने 25 बराबर M2 गुने D/2। M2 M2 कट जाएगा दोस्तों, ठीक है, और यहाँ से अगर आप काट देंगे ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बच जाएगा डी बराबर 25 75, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 75। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 44 नंबर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन 44 देखा जाए। कह रहा है, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें। 5 इंजन दोस्तों, 5 इंजन क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले। देखिए दोस्तों काम हो रहा है, इसलिए इसको मैंने नीचे लिखा, 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें तो काम हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर, 8 इंजन मान लीजिए दूसरा प्रकार के इंजन E2 है, जो 8 इंजन है 8E2, तो कह रहा है कि 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितना मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जबकि पहली प्रकार के तीन इंजन और आगे क्वेश्चन में कह रहा है उतनी ही खपत करते हैं जितने कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन, जितने कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। दोस्तों यहाँ पर 8E2 है, E2 को E1 में बदलिए। ठीक है, देखिए इसमें जो सुविधाजनक होता है उसी को हम लेके बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप E2 को भी E1 में बदल सकते थे, E1 को भी E2 में बदल सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर 8E2 है, देखिए क्योंकि बदलने में सुविधाजनक है, 8E2 है, तो इसको बनाने के लिए 8 कितना से गुना? 2 से, तो जब इसमें 2 से तो दोस्तों इसमें भी 2 से। अब यहाँ पर देखना आपको ये है कि 5E1 गुने 9/6 बराबर 8E2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 दूना 6E1, तो यहाँ पर लिखेंगे 6E1 गुने 10
बटे में एन, तो पूछ ही रहा था कितना मीट्रिक टन, ई वन सी वन कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये हो जाएगा पाँच दुना दस दोस्तों, नौ एन बराबर छाछा अगर छत्तीस, छाछा अगर छत्तीस दुना बहत्तर आठ, यानी कि एन बराबर हो जाएगा दोस्तों आठ मीट्रिक टन, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 24 पुरुष 4.5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 72 दिनों में समाप्त करते हैं। 24 पुरुष 4.5 घंटे दोस्तों, 4 × 2 = 8 = 9 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। 72 दिन लग रहा है, कितना दिन दोस्तों, 72 डे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 108 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 108 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी, उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी दोस्तों। यहाँ पर मैन था, यहाँ पर लिख देते हैं 24 मैन था, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है जबकि एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला से 20% अधिक है, एक पुरुष की दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं एक पुरुष की जो कार्य क्षमता है एक महिला से 20% अधिक है, यानी कि 120 बटे में कितना हो जाएगा 100 दोस्तों। ओमेन में से लगा है तो ओमेन हो जाएगा, काट दीजिए इसको, 20 × 20 से और 20 × 5 = 100, तो ओमेन हो जाएगा कितना 5, यानी 5 औरत बराबर 6 मैन, क्योंकि जिस राशि में से लगा रहता है उसे हर मानते हैं दोस्तों, औरत में से लगा इसलिए हो जाएगा 5 औरत बराबर 6 मैन दोस्तों। ये चीज़ ध्यान देना है, ये आपका जो दिया क्षमता है, और क्षमता ठीक उल्टा होता है समय का, तो हम पलट देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 5 मैन बराबर 6 औरत, ठीक है, क्योंकि 6 औरत जितना काम करेगी उतना 5 मैन काम करेगा। आगे क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि कितने दिन लगेगा, मतलब 108 औरत करे तो कितना दिन लगेगा दोस्तों। 108 औरत है, इसको मैन में बदल दीजिए, 108 औरत को मैन में बदलेंगे तो इसमें कितना से गुना कराना पड़ेगा, 18 से, क्योंकि 18 इठोल से, तो जब इसमें 18 से है तो इसमें भी 18 से दोस्तों, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 24 मैन गुणे 9 गुणे 72 बटे में 2, और इधर हो जाएगा 108 औरत के दोस्तों, 108 औरत के जगह पर हम कितना मैन लिख सकते हैं, 90 मैन, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 मैन गुणे 6 गुणे डी बटे में ए कर दीजिए। अब देखिए मैन से मैन तो दोस्तों कट ही जाएगा ना, अब देखिए कटा दीजिए, ये कट जाएगा 10 बार में, 10 × 9 = 90, और ये कट जाएगा दोस्तों 6 है ये 72 है तो 12 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इधर कर दीजिए 24 × 12 = 20 × d, तो दोस्तों ये कर देंगे तो 5 × 4 = ये करेंगे तो 6 × 4 = ठीक है। और इधर हो जाएगा 5d बराबर हो जाएगा दोस्तों 72, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 14 सही, इसलिए d बराबर 14 सही 2/5, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखा जाए, 46 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दोस्तों, पढ़ दे रहे हैं, 3 आदमी अथवा 6 लड़के 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इससे दुगुने काम को 6 आदमी तथा 2 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों। इसमें से कोई एक लेकर बढ़ जाइए, ठीक है। जैसे यहाँ पर कह रहा है अथवा में दिया है 3 मैन, अथवा बोले तो दोस्तों और 6 लड़के, इसमें से या तो इसको लेकर बढ़िए या तो इसको लेकर बढ़िए, कोई लेकर दोस्तों बढ़ सकते हैं, तो हम मैन ले लेते हैं, तो मैन लेंगे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 मैन 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को दोस्तों, एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इससे दुगने काम को दोस्तों, इससे दुगने कार्य को, ठीक है, दुगने कार्य को 6 आदमी तथा 2 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे दोस्तों। मैंने मान लिया कि ये डी दिन में समाप्त कर सकेंगे, अब यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए दोस्तों, कैलकुलेट कर देंगे तो आपको पता है कि 3 मैन बराबर दोस्तों कितना लड़का है, 6 लड़का है, ठीक है, 3 मैन बराबर 6 लड़का, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मैन के जगह 6 लड़का गुने 7 × 10, ठीक है दोस्तों। आगे 6 मैन, चूँकि 6 मैन बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना, ठीक है दोस्तों। तो हम कहेंगे कि 6 मैन बराबर कितना लड़का हो जाएगा, 12 लड़का, तो इसके जगह पर लिखेंगे 12 लड़का, अब पहले से 2 लड़का था दोस्तों, गुने 8 × d, बटे में 2 है दोस्तों, इधर गुना करा देते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दिया जाए तो इधर हो जाएगा आपका
छः दूना 12 लड़का गुणे 7 गुणे 10 बराबर 12 दो 14 लड़का गुणे 8 गुणे डी, है ना दोस्तों, ये बी से भी कट गया। देखिए 7 दूना 14 कट जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर क्या करना होगा, आइए इसको देखते हैं। ये दोस्तों कट जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8 चरती 12 2 डी बराबर 15, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 15/2 बोले तो 7 सही 1/2, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन 47 देखा जाए। कह रहा है कि 12 आदमी और 18 लड़के काम को 12 आदमी और 18 लड़के एक काम को दोस्तों एक काम को कह रहा है कि 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 8 आदमी 12 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो कितना मैन बराबर कितना लड़का होना अनिवार्य है इसमें, तो आप देख रहे हैं कि 12 आदमी और मतलब बराबर होता है, यहाँ पर कर लीजिए 12 मैन बराबर हो जाएगा आपका 18 लड़के, है ना। तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 दूना 12 यानी 2 मैन और 6 18 यानी कि 3 लड़का। दोस्तों अब आपको ये निकल गया, अब यहाँ पर सबको लड़का में चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 12 मैन है, ठीक है 12 मैन, तो चूंकि 2 मैन बराबर 3 लड़का, तो 12 बनाने के इसमें कितना से गुना 6 से, तो इसमें 6 से तो इसमें भी 6 से, तो देखिए इधर 18 हो जाएगा क्योंकि 12 मैन बराबर कितना लड़का 6 18, तो 18 लड़का प्लस 18 लड़का पहले से था गुने 15। फिर दोस्तों आगे करेंगे 8 मैन है, तो 8 मैन यहाँ पर बनाने के लिए इसमें कितना से गुना दोस्तों 4 से, तो जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, तो दोस्तों 8 मैन बराबर कितना लड़का 12 लड़का, और 12 लड़का पहले से था दोस्तों, है ना, 12 लड़का जो है पहले से था गुने डी। इधर हो जाएगा 36 बॉय गुने 15, 24 बॉय गुने डी, बॉय से बॉय कट जाएगा, 12 दूना 24 12 तीन 36 दोस्तों 2 डी बराबर हो जाएगा 45, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 22 सही 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 48 क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 2 गाय जितना घास खा सकती है उतना ही घास 3 भैंस खा सकती है। दोस्तों 2 गाय जितना घास खा सकती है उतना 3 भैंस खा सकती है, ऐसे भी दोस्तों भैंस ज़्यादा खाती है गाय की अपेक्षा। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 5 भैंस जितना घास खा सकती है उतना 4 घोड़े खा सकते हैं, 5 भैंस जितना घास खा सकते हैं उतना दोस्तों 4 घोड़े खा सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 दिनों के लिए 10 गाय का चारा 24 घोड़ों के लिए कितना दिन चलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर भैंस है, अब यहाँ पर 3 बी है यानी 3 भैंस है, यहाँ पर 5 भैंस है, अलग अलग भैंस है, इसको समान कर दीजिए। समान करने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, ये 5 जो है ऊपर में गुना करा दीजिए और ये जो 3 है ना नीचे में गुना करा दीजिए। अब देखिए भैंस क्या हो गया, समान हो गया, जब इसमें 3 से कराएं तो इसमें 3 से कराएंगे दोस्तों, जब इसमें 5 से कराएं तो दोस्तों इसमें 5 से कराएंगे। अब हमारा फाइनली देखिए क्या हुआ, 10 गाय बराबर 15 भैंस बराबर 12 घोड़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 18 दिनों के लिए 10 गाय का चारा, 18 दिनों के लिए 10 गाय का चारा कह रहा है क्वेश्चन में, 24 घोड़ों के लिए कितने दिन के लिए चलेगा। दोस्तों आपको पता है कि 10 गाय के बराबर कितना घोड़ा है, 12 घोड़ा, तो 18 गुने 12 घोड़ा बराबर 24 घोड़ा गुने डी, तो एच एच कट गया, 12 दूना 24 दो नवा 18, इसलिए डी बराबर कितना 9, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 9 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पुरुषों के काम 6 महिलाओं के काम के बराबर है। दोस्तों 4 जो पुरुष है उसका काम जो है 6 महिला के काम के क्या है, बराबर है, चलिए ठीक है। आगे कह रहा है कि 9 महिला के काम जो है 12 लड़कों के बराबर है, 9 महिला का जो काम है दोस्तों 12 लड़कों के क्या है, बराबर है। अब आपको क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर समान कर दीजिए क्योंकि ओमेन देख लीजिए यह 6 है यहाँ पर 9 है, समान करने के लिए दोस्तों इसमें 3 से गुना कराएंगे और इसमें 2 से गुना कराएंगे, जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से, जब इसमें 3 से तो दोस्तों इसमें भी 3 से, फाइनली अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 12 मैन बराबर 18 औरत बराबर 24 लड़का, काट के छोटा कर दिया जाए दोस्तों 6 दूना 12 6 18 6 4 24, यानी कि इतना आ गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए 8 पुरुष तथा 6 महिलाएं किसी काम को 8 पुरुष
तथा 6 महिलाएं किसी काम का मतलब दोस्तों एक काम, किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 8 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में पूरा करती है, पूरा 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 पुरुष 3 महिलाएं, तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 पुरुष 3 महिलाएं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 4 बच्चे मिलकर उसी कार्य को समाप्त करेंगे जबकि वे 6 घंटे, उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे जबकि वे 6 घंटे प्रतिदिन काम करें, 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। दोस्तों ये आपका इक्वेशन बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबको बच्चा में बदल दीजिए दोस्तों, यानी कि बॉय में बदल दीजिए। यानी हम कह सकते हैं कि दोस्तों 2 मैन = 4 लड़का, तो अगर हम 4 मैन बना दें तो यहाँ पर 4 से गुना होगा, तो 4 मैन = कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 मैन = हो जाएगा, सब में 4 से गुना कर दीजिएगा तो 4 मैन = हो जाएगा 16 लड़का। यहाँ पर लिखेंगे 8 मैन की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 16 लड़का। देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर फिर से समझिए ताकि एक बार समझ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर 2 मैन = दिया है 4 बच्चा, तो इसको 8 मैन यहाँ पर है, 8 मैन है, तो 8 मैन है तो 8 बनाने की इसमें 4 से गुना, तो जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, तो हम कह सकते हैं ना दोस्तों कि 8 मैन के जगह पर हम 16 बच्चा लिखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा प्लस, अब इसको मैंने हटाया, फिर इसको भी मैंने हटाया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 वुमेन बनाने की इसमें दोस्तों 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से, तो हम कहेंगे 6 औरत = कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 औरत की जगह पर 8 बच्चा लिख सकते हैं, गुने 8 × 15। दोस्तों इसको मिटा देते हैं क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ेगा। आगे चलिए दोस्तों, कह रहा है 2 मैन, तो 2 मैन = दोस्तों कितना बच्चा, 4 बच्चा, ठीक है दोस्तों। 3 औरत = कितना बच्चा, 4 बच्चा, और दोस्तों पहले से 4 बच्चा था ही, तो इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, गुने 6 × d, तो कैलकुलेट करेंगे 16 8 24 बॉय, गुणे 8 × 15 ये हो जाएगा 12 बॉय, गुणे 6 × d, दोस्तों बॉय से बॉय कट जाएगा, ये 12 × 2 = 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कट जाएगा दोस्तों 2 × 3 = 6, ठीक है दोस्तों। फिर ये कटेगा 3 × 5 = 15, इसलिए d = हो जाएगा 40। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जबकि 3 आदमी 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को जो है दोस्तों, काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, कह रहा है कि 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेगी, तो 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेगी। दोस्तों यहां पर कैलकुलेट करा जाए, 8 × 32 मैन, 8 × 48 वुमेन, फिर इधर कर देंगे 10 × 30 मैन प्लस 10 × 70 वुमेन, दोस्तों 32 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 मैन, और इधर हो जाएगा 10 में से 8 = 2 और 6 में से 4 = 2, यानी 22 औरत कट जाएगा दोस्तों 11 बार में, यानी हम कह सकते हैं कि 1 मैन = 11 औरत। अब दोस्तों क्या करना है, या तो इसको लेकर बढ़िए या तो इसको लेकर बढ़िए, तो हम दोस्तों इसको ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 मैन + 7 औरत × 10 = 10 औरत × d। अब दोस्तों क्या करना है, 1 मैन = 11 औरत है, तो 1 मैन = 11 औरत, तो 3 मैन में कितना हो जाएगा, गुणे 3 करेंगे इसमें, तो इसमें भी 3 से करेंगे, तो 3 मैन = 33 औरत, 33 औरत, 7 औरत पहले से थी दोस्तों, गुणे 10 = हो जाएगा 10 वुमेन × d, तो 40 औरत × 10 = 10 औरत × d। ये औरत से औरत कट जाएगा दोस्तों, ये 10 से 10 कट गया, इसलिए d = हो जाएगा 40। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, पी दोस्तों 8 घंटे, क्वेश्चन में कह रहा है पी 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यू 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी काम को 8 दिनों में दोस्तों समाप्त करते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि पी और क्यू साथ साथ प्रतिदिन कार्य करें, पी और क्यू साथ साथ प्रतिदिन काम करें, ठीक है दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है
कि पी और क्यू साथ साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो वह कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा। तो वह कितने दिनों में साथ साथ जो है 8 दिन काम करे तो वह कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, ये देखिए 8 से 8 ये कट जाएगा, इधर बच जाएगा 12p, 12p बराबर हो जाएगा आपका 10q, कट जाएगा दोस्तों 5 दूना 10, 6 दूना 12, तो 6p बराबर हो जाएगा 5q। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, या तो इसको लेकर बढ़िए या तो इसको लेकर बढ़िए या तो इसको लेकर बढ़िए, किसी को लेकर बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो मैंने लिया ये इसको, पी गुने 8 गुने 12 बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू गुने 8 गुने टी। दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, हम क्यू को क्या करते हैं, इसको पी को हम क्यू में चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पर करेंगे तो 6p बराबर 5q है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि p बराबर हो जाएगा 5/6q, नहीं हो जाएगा दोस्तों, 6p बराबर 5q, इसलिए p बराबर हो जाएगा 5/6q। तो यहाँ पर रख दीजिए p बराबर हो जाएगा 5/6q। हम q को चेंज कर रहे हैं दोस्तों, दोनों तरफ q होना चाहिए, तभी तो LHS बराबर RHS होगा, गुणे 8 गुणे 12। फिर दोस्तों p बराबर 5/6q, ठीक है, यहाँ पर बड़ा है तो बड़ा ही रहने दिया जाए और इधर भी बड़ा है तो बड़ा ही रहने दिया जाए, गुणे 8 गुणे डी। दोस्तों इधर हो जाएगा आपका, काट देंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 5 8 40 80 q हो जाएगा इधर, और उधर कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो 6 होगा दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6, तो 5q + 6q गुने कितना हो जाएगा 8 गुने डी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 80 q, यह 11/6q गुने 8 गुने डी, ये कट जाएगा दोस्तों 10 से, और ये क्यू से क्यू कट जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11d बराबर हो जाएगा दोस्तों 60, इसलिए d बराबर हो जाएगा दोस्तों 60 में 11 से भाग दे देंगे, 60 में 11 से भाग दे देंगे तो 5 सही 5/11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 देखा जाए, 52 नंबर भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आइए देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 12 पुरुष तथा 18 लड़के, ठीक है दोस्तों, 7.5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करते हैं। 7.5 घंटे, 7.5 घंटे दोस्तों 15/2, ठीक है, और कितना दिन ले रहे हैं तो 60 दिन में समाप्त करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर 60, ठीक है। आगे और क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक पुरुष 2 लड़कों के समान कार्य करे, एक पुरुष जो है दोस्तों 2 लड़कों के समान कार्य करे, यानी एक मैन बराबर दे दिया 2 पुरुष, एक मैन बराबर 2 लड़का, सॉरी एक मैन बराबर 2 लड़का, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 21 पुरुष कितने लड़कों की सहायता से, 21 पुरुष कितने लड़कों की सहायता से, ये 21 है दोस्तों, 21 पुरुष कितने लड़कों की सहायता से 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को दोस्तों, ये पहले एक था, ठीक है, इससे दुगने कार्य को क्योंकि ये 15/2 था, ये पहले एक था, तो इससे दुगने कार्य को दोस्तों कार्य को 50 दिन में समाप्त कर सकेंगे, 50 दिन में समाप्त कर सकेंगे। दोस्तों कैलकुलेट कर दिया जाए तो यहाँ पर काट दीजिए इसको, ये 30 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक मैन बराबर दो लड़का, तो 12 मैन बनाने के लिए दोस्तों इसमें 12 से गुना, तो इसमें भी 12 से, तो हम कह सकते हैं 12 मैन बराबर हो जाएगा दोस्तों 24 लड़का, 24 लड़का, अब पहले से 18 लड़का था दोस्तों, ठीक है, गुने यहाँ पर 15 हो जाएगा, गुने 30 हो जाएगा, ये दो है जो जो का त्यों है। अब देखिए फिर यहाँ पर दोस्तों अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 21 मैन है, इसको 21 बनाने के लिए इसमें 21 से गुना, तो जब इसमें 21 है तो इसमें भी 21 है, तो हम कह सकते हैं 21 मैन बराबर कितना लड़का हो जाएगा दोस्तों 42 लड़का, इधर हो जाएगा 42 लड़का और 1 लड़का गुने 9 गुने 50, ठीक है दोस्तों, 2 था तो अगर यहाँ पर बटा में 2 है तो 2 कर दीजिए, ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 42 लड़का, 24 18 जोड़ देंगे 42 लड़का, 15 गुने 30 दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुने 2, इधर हो जाएगा आपका कितना, लड़का जो है बाहर कॉमन कर लीजिए तो 42 + 1 हो जाएगा दोस्तों, और इधर हो जाएगा 9 गुने 50, ठीक है दोस्तों। देखिए ये 20 से भी कट जाएगा दोस्तों, अब देखिए ये कटेगा तो कटाया जाए इसको, देखिए ये हो जाएगा 15 तिया 45 यानी 450, ये 50 से 9 बार में चल जाएगा दोस्तों, ठीक है, और ये 9 से 9 कट जाएगा, इधर बचेगा 42 फिर 2, तो गुना करा दीजिएगा 84 और 42 + 1, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 42, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 देखा जाए, यानी कि 53 देखा जाए। 53 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि 24 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 24 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 पुरुष और 6 महिला उसी काम को 10 पुरुष और 6 महिला उसी काम को दोस्तों 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है 24 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा 10 पुरुष और 6 महिला उसी काम को एक साथ 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 6 दुना 12 इधर हो जाएगा 24 मैन 6, 10 दुना 20 मैन प्लस 6 दुना 12 औरत, सेम डायरेक्शन में दोस्तों घटेगा तो 24 में से भी जाएगा 4 मैन 12 औरत, यानी एक मैन बराबर हो जाएगा 3 औरत, ये आपका निकल गया। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन पुरुषों से काम शुरू हुआ, चलिए ठीक है, तीन पुरुषों से काम शुरू हुआ और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि तथा 16 दिनों के बाद कुल कितनी महिलाएं काम में शामिल हो जाए कि शेष काम 8 दिनों में समाप्त हो जाए। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है, अब यहाँ पर क्या करना है, या तो इसको लेके पढ़ना है या तो इसको लेके पढ़ना है, तो हम ले लेते हैं इसको 24 मैन गुने 6, और आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि तीन पुरुषों से काम शुरू हुआ तो तीन पुरुषों से काम शुरू हुआ, ठीक है, तथा 16 दिन बाद, तो यानी तीन पुरुष 16 दिन तक काम किया होगा, 16 दिन बाद क्या हुआ दोस्तों, कह रहे कितनी महिलाएं को शामिल कर लिया जाए। तो दोस्तों तीन मैन तो पहले से था, मैंने मान लिया कि एक महिला उसके साथ शामिल कर लिया गया, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष काम जो है कितना दिन में समाप्त हो जा रहा है, तो 8 दिन में समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, तो आपको पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कुल कितनी महिलाएं काम में शामिल हो जाए कि शेष काम 8 दिनों में समाप्त हो जाए, तो आइए इसको चेंज करा जाए, चूँकि एक मैन बराबर 3 औरत, दोस्तों एक मैन बराबर 3 औरत, तो 24 बनाने के लिए 24 मैन बराबर कितना औरत हो जाएगा, 72 औरत हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर 24 मैन के जगह पर हम लिखेंगे दोस्तों 72 औरत, लिखेंगे 72 औरत गुने 6, और इधर 3 मैन, 3 मैन दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे, 3 मैन यहाँ पर 3 मैन बनाएंगे दोस्तों, तो इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, तो कितना हो जाएगा 9 औरत गुने 16 प्लस फिर 3 मैन बराबर दोस्तों कितना 9 औरत होगा ना, 3 मैन बनाएंगे तो गुने 3, तो इधर भी 3 से, तो 9 औरत प्लस एक औरत गुने 8, ठीक है दोस्तों। इधर हो जाएगा 72 औरत गुने 6, 144 औरत, 44 होता है दोस्तों, इधर औरत काट लीजिए बाहर, तो 9 प्लस एक हो जाएगा गुने 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इधर हो जाएगा 72 औरत गुने 6 बराबर 144 औरत प्लस इधर डब्लू हो जाएगा दोस्तों, ये 9 8 है 72 प्लस 8 एक्स है ना, तो दोस्तों क्या करना है, ये बाहर अगर ओमेन काट लेते हैं तो 72 औरत गुणे 6 एक्स, ओमेन बाहर काट लीजिए तो 144 प्लस 72 प्लस 8 एक्स, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, चाहे दोस्तों यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, हम बाहर कर लीजिए, ये W 144 प्लस 72 प्लस 8 एक्स है ना, तो ये ओमेन ओमेन कट जाएगा दोस्तों, 72 छः का 6 दूना 12 का 2 और 6 सत्ते 42 एक 43 432, और इधर दोस्तों हो जाएगा आपका 216, क्योंकि जोड़ देंगे तो 216 होगा, 8 एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों ये घट जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 416 होगा, 416 बराबर कितना हो जाएगा 8 एक्स, इसलिए दोस्तों एक्स बराबर आ जाएगा 27, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 देखा जाए, यानी 54 नंबर। 54 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 54 क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में तथा 15 महिलाएं उतने ही काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। 12 पुरुष किसी काम को 4 दिन में, 12 पुरुष किसी काम को 4 दिन में, और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 महिलाएं उतने ही काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं, 15 महिलाएं उतने ही कार्य को 4 दिन में। दोस्तों तो ये क्या करेंगे, 4 से 4 काट दीजिए, तो 12 मैन यानी कि हो जाएगा 4 तियाई 12, 5 तियाई 15, यानी कि 4 मैन बराबर हो जाएगा 5 औरत। अब आगे जो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है उसको लेकर चलिए, कह रहा है कि 6 पुरुषों ने काम करना शुरू किया और 2 दिनों के बाद सभी काम करना बंद कर दिए हैं। दोस्तों इसमें से कोई पहले एक लेकर बढ़िए, तो हमने ले लिया 15 ओमेन गुने 4। अब कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, 6 पुरुषों ने काम करना शुरू किया और 2 दिनों बाद, यानी 6 पुरुष 2 दिन तो कार्य किया,
छह पुरुष जो है दोस्तों, छह पुरुष तो 2 दिन तक कार्य किया, ठीक है, तो मैंने लिखेंगे 6 पुरुष गुने 2। अब आगे क्या हुआ देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुषों ने काम शुरू किया और 2 दिनों के बाद सभी काम करना बंद कर दिए। चलिए ठीक है, कितनी महिलाएं काम पर लगाई जानी चाहिए कि शेष काम 3 दिन में समाप्त हो जाए। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि इसमें एक औरत लगाई जाए तो काम जो है शेष 3 दिन में समाप्त हो जाए। अब दोस्तों कैलकुलेट कर दिया जाए, यहाँ पर 15 औरत गुने 4, और इधर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 1 मैन बराबर हो जाएगा 5/4 औरत, होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कितना है, 6 मैन है दोस्तों। 6 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 6 से, तो इसमें 6 से तो इसमें भी 6 से, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 3 15 औरत, तो 15/2 औरत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, गुने 2, और 1 औरत गुने 3, ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 15 चौका 60 औरत, इधर हो जाएगा औरत कमन हो जाएगा, तब 15 + 3x हो जाएगा दोस्तों, और ये औरत औरत कट जाएगा, इधर हो जाएगा 60 = 15 + 3x, और 3x = 45, ये कट जाएगा 15 बार में, इसलिए x = कितना आ जाएगा दोस्तों, 15, तो ये आपका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए, 55 देखा जाए, यानी कि 55, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 आदमी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों 50 आदमी किसी काम का मतलब दोस्तों होता है एक काम, और उसको कितना दिन में, 30 दिन में, तो 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1500 दिन। यानी दोस्तों मैंने ये 1500 दिन क्यों लिखा, कैसे लिखा, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 50 आदमी हैं, एक आदमी अगर 30 दिन काम करता तो 30 दिन का काम होता, लेकिन 50 आदमी काम कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि 1500 दिन का काम कर दे रहा है, ठीक है, तो टोटल 1500 दिन का काम था समाप्त होने का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन में 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ते गया, इसका मतलब दोस्तों समझिएगा, यानी कि 50 आदमी शुरू में 30 दिन तक काम किया, और क्या हुआ कि 10 आदमी प्रत्येक 10 दिन पर, जैसे ही, सॉरी ये 30 दिन नहीं होगा दोस्तों, 50 आदमी प्रत्येक 10 दिन पर काम छोड़ते गया, इसका मतलब कि 50 आदमी पहले स्टार्टिंग में 10 दिन काम किया, जैसे ही 10 दिन किया तो 10 दिन बीता तो फिर क्या करेगा, 10 आदमी छोड़ेगा दोस्तों, 50 आदमी पहले था, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 आदमी आ जाएगा, और फिर ये कितना दिन करेगा, 10 दिन करेगा, ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर 10 दिन फिर बीतेगा तो फिर 10 आदमी छोड़ के चला जाएगा, फिर 10 करेगा, जैसे ही 10 दिन यहाँ पर पूरा होगा तो फिर 20 आदमी रह जाएगा काम करने के लिए, फिर 10 दिन करेगा, ठीक है। देखिए 500, 400, 900, 300, 1200, 214, यहाँ पर कितना आना है, 1500, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लेंगे, अब 20 आदमी 10 दिन काम किया और 10 दिन जैसे ही बीता तो फिर 10 छोड़ देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 और गुने 10 दिन करेगा, और इस प्रकार दोस्तों ये आपका 1500 दिन हो जाएगा, यानी LHS = RHS आ गया। तो दोस्तों 10 दिन 20 दिन 30 दिन, 10, 20, 30, 40 और 50, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 दिन। तो काम कितने दिन बाद समाप्त होगा, तो 50 दिन बाद ये आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, उसी प्रकार का है, ठीक है, 56 नंबर, यहाँ पर ध्यान देना है, 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में समाप्त करते हैं, 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में, यानी कि टोटल हो जाएगा 3000 दिन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम छोड़ते गए, तो 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में समाप्त करते हैं, प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में, तो प्रत्येक 10 दिन पर दोस्तों 20 आदमी काम में शामिल होते गए, यानी 60 आदमी स्टार्टिंग में काम करा और जैसे ही 10 दिन बीता तो अब क्या हुआ कि 20 आदमी उसमें क्या हुआ, 20 आदमी और शामिल होंगे, तो कितना हो गया दोस्तों, 80, और 80 आदमी 10 दिन काम करेंगे, जैसे ही 10 दिन बीता तो अब इसमें 20 आदमी और आ जाएंगे, यानी 100 कितना काम करेंगे, 10 दिन। फिर क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर हो गया 20-20 बढ़ता जा रहा था, 20, 20, 80, 20, 100, फिर आगे क्या होगा, 10 दिन जैसे ही करेगा तो 20 आदमी और बढ़ जाएगा, यानी 120 हो जाएगा, ठीक है। अब काम करना है 3000 दिन मान के चलिए काम को कराना है, तो इधर हो गया 600, ये हो गया 800, ये हो गया 1000, और इधर हो गया आपका कितना, 120, तो 800, 1400, 2400 है दोस्तों, यहाँ पर कितना से गुना कर देंगे,
कि यहाँ पर 600 हो जाएगा और मेरा काम भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 10 रखेंगे तो 1200 हो जाएगा ना दोस्तों। तो हमको कितना कराना था, हमको 3000 ही दिन काम कराना था। तो इधर हो गया 600, 800, 1400, 2400 और 2400 इधर हो जाएगा आपका 600। तभी तो जा करके 3000 3000 आपका समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, 3000 दिन 3000 दिन। तो इसलिए हम दोस्तों कह सकते हैं कि हमारा 10 दिन यहाँ पर हुआ, 20 दिन, 30 दिन और 35 दिन। तो 35 दिन में पूरा कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम 10 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 10 करेंगे तो 1200 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जोड़ देंगे 600 और, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरा समीकरण संतुष्ट नहीं हो पाएगा और गलत हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, 57 नंबर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 देखा जाए। 57 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो दांतेदार पहिया जिसमें क्रमशः 24 तथा 28 दांत है तथा वे आपस में फंसकर चलते हैं, यदि दूसरा पहिया 30 सेकंड में 180 चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो पहिया है, दूसरा पहिया 30 सेकंड में 180 चक्कर लगाता है। आगे क्वेश्चन करते, तो पहला पहिया 18 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। दोस्तों पहला पहिया जो है 18 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, मेरे को पता नहीं, मैंने मान लिया एन। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था दो दांते पहिया, दो दांतेदार पहिया जिसमें क्रमशः 24 और 28 दांत हैं, जिसमें क्रमशः 24 तथा 28 दांत हैं। तो दोस्तों इसमें कितना दांत था, 28, और ये काम हो रहा है इसलिए इसको नीचे, क्योंकि दांत है और दांत का काम है फंस कर चलना। और यहाँ हो जाएगा इसका कितना दांत, 24, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा। दोस्तों कैलकुलेट करा जाए, 30 छक्का 180, 6 चौका 24, 4 सते 28। दोस्तों इधर हो जाएगा एन बराबर 18 सते 126 से, तो हो जाएगा 126 चक्कर। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।